इस माह भी हमारे बीच धुरंधर आए हैं गोल्ड स्टार प्रमोद जी शास्त्री को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर कि वो आए। गोल्ड स्टार प्रमोद जी शास्त्री हमारे बीच में आएंगे, जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करेंगे उनका। यहाँ पर जोरदार तालियों से हम लोग उनका स्वागत करेंगे गोल्ड स्टार प्रमोद जी शास्त्री का, जिन्होंने पूरे हरियाणा में बहुत ही शानदार तरीके से काम करा करते हैं और यहाँ पर ये मंदिर हासिल किए हैं। जोरदार तरीके से उनका स्वागत उनकी टीम के तरफ से गोल्ड स्टार प्रमोद जी शास्त्री। Come on.
गोल्ड स्टार प्रमोद जी शास्त्री को एक बार पुनः आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और दो शब्द हमें कहें, जल्दी दौड़ करके वो आए और दो शब्द हमें कहें, जोरदार तालियां उनके लिए। जय प्रिय दोस्तों, दोस्तों आवाज नहीं आई है पर जोर से बोलेंगे जय प्रिय। साथियों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से बहुत से लोगों की सोच एक ही होती है, जैसे अभी हमारे बीच एक भाई साहब ने कही था कि गले से बात उतरती नहीं है, सच्चाई है, मुझे भी पता है ये बात, मेरे भी गले नहीं उतरी थी किसी दिन, परंतु आज आप लोगों के सामने हूँ, आप लोगों को पता है और मुझे भी पता है, मेरी टीम को पता है, मेरे क्षेत्र को पता है कि इस प्रिया परिवार के माध्यम से हमने क्या पाया है, कितने कम समय में पाया है और कितनी अच्छी तरीके से पाया है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अपना पेट भरना ही पर्याप्त नहीं होता है किसी के लिए भी, कईयों ने कहा है, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि पेट तो, अपना पेट तो पशु पक्षी और जानवर भी भर लेते हैं, परंतु मायने ये रखते हैं कि हम कितनों को, कितनों लोगों का हमारे माध्यम से पेट भरा जा रहा है। ये प्रिया परिवार का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों, जो यहाँ पर सिर्फ अपना पेट नहीं भरते हैं, परंतु हमारी वजह से, इस प्रिय परिवार के कॉन्सेप्ट की वजह से लाखों और हजारों घरों के दिए जलते हैं, लाखों और हजारों घरों में चिराग जलते हैं, लाखों और हजारों घरों में दिवाली और ईद मनाई जाती है। मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, बहुत से लोगों की एक सोच होती है हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, ऐसा तो होगा नहीं, दो आदमी नहीं जोड़ सकते, पांच आदमी नहीं जोड़ सकते। साथियों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, जब एक निर्धन घर में पैदा हुआ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, एक सामान्य आदमी जो एक नौसेना से रिटायर होकर के इस प्रिय परिवार का चेयरमैन बन सकता है, और एक सामान्य आदमी इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है, एक सामान्य सी महिला संतोष यादव एवरेस्ट की ओर फतेह कर सकती है, तो आप और हम लोगों में क्यों नहीं। सबसे बड़ी बात जो है वो ये होती है कि राह तो चलने वाले बहुत होते हैं, परंतु राह दिखाने वाला होना चाहिए। किसी ने कहा है वही सूरमा इस जग में, है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पदचिन्हों पर, कोई चलता है पदचिन्हों पर और कोई पदचिन्ह बनाता है। दोस्तों हमारे और आपके सामने, हमारे और आपके सामने हमारे आदरणीय श्रीमान तेजपाल जी ने पदचिन्ह बना दिए हैं, जरूरत है तो सिर्फ इन पर चलने की है। मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगर हम चाहेंगे तो केवल अपना नहीं, अपने परिवार का नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस का नहीं, परंतु संपूर्ण इस भारतवर्ष को विकसित बना देंगे, इस संपूर्ण भारतवर्ष को फिर से सोने की चिड़िया कहने के लायक बना देंगे। सिर्फ जरूरत है तो दो चीजों की है, इस प्रिय परिवार के कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो आदमी डेडिकेशन से और जो होनेस्टी, दो चीज चाहिए यहाँ पर। ये बातें मेरे सीनियर श्रीमान विक्रम जी यादव ने, जिसकी वजह से मैं आज आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, किसी दिन मुझे यही दो बात कही थी, शास्त्री जी आप दो बातों का ध्यान रखना, एक डेडिकेशन चाहिए आपसे और एक होनेस्टी, ईमानदारी से और समर्पण भाव से काम करोगे तो वो दिन दूर नहीं रहेगा जब आप लोगों को कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को एक बार दिल से कह रहा हूँ, जो सच्चाई है और जो मेरे क्षेत्र के राज्य मेरी टीम के लोग हैं वो जानते भी है। साथियों 2.5 साल पहले मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिन था कि मकान मालिक मेरे सिर पे खड़ा था किराया मांगने के लिए, वो मेरे को कह रहा था कि शास्त्री जी मकान का एक महीना हो गया आपको किराए पे रहते, मकान का किराया दो, और मेरी आंखें शर्म से झुक रही थी, मेरे अंदर हीन भाव आ रहे थे कि मैं कहां से मकान का किराया दूं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं मैं एक अतिथि अध्यापक हुआ करता था उस टाइम पे, मेरी मात्र उस महीने की तनख्वाह जो आई थी, सैलरी आई थी 2700 रुपया थी, उस 2700 रुपये में 2165 रुपये मेरी मोटरसाइकिल की किस्त हुआ करती थी, जो वो भी मुझे देनी जरूरी थी, और बाकी के जो बच गए उसमें आप लोगों को पता है कि 500-700 रुपये तो एक आदमी को घर खर्च चलाने के लिए चाहिए। मेरी शादी भी हो चुकी थी उस समय पे,
आपको पता है कि सब कुछ खर्चा करना होता है। मेरे सामने इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था कि प्रमोद कुछ करना पड़ेगा, और वास्तव में मेरी नींद हराम हो गई थी। जिस समय मेरे साथ के बच्चे बड़े मस्ती से खेला करते थे, झूमा करते थे, उस समय मेरे सामने प्रसन्न जी था कि मकान का किराया देना है। उसी टाइम मेरे को विक्रम जी मिले थे, और विक्रम जी मुझे लगता है यहीं पे बैठे भी हैं, और उन्होंने मैंने उनसे ये कहा था, सर मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ 2000 रुपये मेरी इनकम कर दो महीने की, मुझे ज्यादा की तमन्ना नहीं है। परंतु इस परिवार से मैंने 2000 रुपये नहीं, इन सिर्फ 30 महीने में 35 लाख रुपये यहाँ से कमाया है मेरे साथियों। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं रहेगा जब हम लोग अगर समर्पण भाव से काम करेंगे तो ऊंचाइयों को छुएंगे और हर राह आसान होगी। जो आदमी 2000 की तमन्ना करता था, जिसके पास किराए का मकान के पैसे नहीं थे, आज आप लोगों की दुआओं से, श्रीमान तेजपाल जी के आशीर्वाद से, विक्रम जी के सहयोग से, और जितनी भी मेरी टीम है, क्योंकि साथियों हमेशा जो अपने सहयोग करने वाले हैं उनको नहीं भूलना चाहिए, जिनकी वजह से जो कि मेरी टीम है, मैं संपूर्ण टीम को धन्यवाद देता हूँ कि जिनके माध्यम से आज मेरे पास केवल खुद का मकान नहीं, खुद की गाड़ी है, खुद का मकान है, और हर तरह से परिपूर्ण हूँ। आज मुझे वो टेंशन नहीं सताती कि मेरा मकान का किराया कौन देगा, क्योंकि मेरा खुद का मकान है, सब कुछ है। मैं आप लोगों को बस दो शब्दों में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे राह से हटाती है। गिरकर मत हारो मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। जय हिंद, जय भारत, जय प्रिया। प्रमोद जी एक मिनट, दो मिनट मेरे को सुने बाद, एक मिनट आए आप लोगों से मुखातिब होने के लिए बुलाए हैं वापस। मैं जोर से बोलता हूं तो कुछ समझ में आती है बात, थोड़ा सा ऐसे समझ रहे मेरी बात को? इनकी आवाज कहां से निकलती है कोई बता सकता है? कहां से आती है आवाज? ये आवाज पैसे की है दोस्त, ये आवाज बड़े काम की है, ये आवाज बड़े नाम की, बड़े सम्मान की है, इसलिए इतने से शरीर में से मेरे से भी ज्यादा या किसी से भी ज्यादा तीखी आवाज निकलती है। कुछ लोग हंसे, पैसे का पावर ही है सर। जिस दिन पैसा जेब में होता है तो पैसा किस तरीके से बोलता है और पैसा किस तरीके से चिल्लाता है, ये उन लोगों को उस वक्त मालूम चलेगा जिस वक्त उनकी जेब में पैसा होता है। तो दोस्तों आज आप उस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, उस जगह पर बैठे हैं, उस प्रिया परिवार में बैठे हैं जहां पैसे कमाना, इज्जत, नाम, सम्मान आपका, अपना, समाज का, परिवार का और देश का नाम आप रोशन कर सकते हैं। तो आइए इस प्रिया परिवार के साथ में और कंधे से कंधा मिला करके बढ़ जाइए, जिस तरीके से प्रमोद जी शास्त्री बढ़ गए आगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी शास्त्री का कि वो आए और बड़े ही जोश खरोश से हम लोगों को यहाँ संबोधित किया। प्रमोद जी शास्त्री।